और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ से, जहां पर राममय हुआ संत कबीर कुटीर। मकर संक्रांति की संध्या पर सजा सीएम आवास, प्राण प्रतिष्ठा की भी दिखी धूम। गायक कन्हैया मित्तल ने गाए राम के भजन। सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में हुए शामिल, वहीं पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल भी शामिल हुए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर राममय हुआ है संत कबीर कुटीर। मकर संक्रांति की संध्या पर सजा है सीएम का आवास, वहीं प्राण प्रतिष्ठा की भी धूम यहां पर देखने को मिली। गायक कन्हैया मित्तल ने इस दौरान राम के भजन गाए हैं। बड़ी और अहम जानकारी, सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको सीधे चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर सीएम आवास में जो है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के धूम दिखी है। गायक कन्हैया मित्तल ने इस दौरान राम के भजन गाए हैं, तो पूरी तरीके से राममय होते हुए संत कबीर कुटीर यहां पर दिखा। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर राममय हुआ संत कबीर कुटीर। सीएम आवास की जो है खबरें सामने आ रही है, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के यहां पर खासा धूम देखने को मिली है। सीएम मनोहर लाल इस कार्यक्रम में शामिल हुए, वहीं पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस दौरान आपको बता दें कि गायक कन्हैया मित्तल ने राम के भजन गाए और राम के भजनों के बाद से पूरी तरीके से राममय होती संत कबीर कुटीर यहां पर दिखी। तो चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा और पंजाब के राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। पूरी तरीके से संत कबीर कुटीर यहां पर राममय होती दिखी और मकर संक्रांति की संध्या पर सीएम आवास बहुत ही अहम तरीके से सजते हुए यहां पर दिखा। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान जो है दोनों पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और गायक जो है कन्हैया मित्तल, इन्होंने इस दौरान राम के भजन गाए और जिसके बाद से पूरी तरीके से राममय होती हुई संत कबीर कुटीर दिखी। आपको बता दें कि कुछ ही समय पहले सीएम आवास का नाम चेंज होकर के जो है संत कबीर कुटीर रखा गया था और अब ये कार्यक्रम जो है पूरी तरीके से राममय होते हुए यहां पर संत कबीर कुटीर को देखा गया। मकर संक्रांति की संध्या पर पूरी तरीके से सजाया गया है संत कबीर कुटीर और गायक कन्हैया मित्तल के गानों से राम का भजन उन्होंने गाया, जिसके बाद से सीएम मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल भी खुद इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार रात अचानक करनाल रेलवे स्टेशन के बाहर का दौरा किया। यहां ठंड में बैठे बेसहारा लोगों को देखकर उन्होंने तत्काल इन्हें रैन बसेरों में शिफ्ट कराने के निर्देश दिए और इसी के साथ ही अपनी खुद की सिक्योरिटी में लगी गाड़ी के माध्यम से उन्हें रैन बसेरे तक पहुंचाया और इस दौरान मुख्यमंत्री वहीं पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि कड़ाके की ठंड में रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ लोग खुले में रात बिताते हैं, ऐसे में स्वयं यहां आकर इनका जायजा लिया है मैंने और यहां काफी संख्या में लोग बाहर बैठे थे और ऐसे में इन्हें तत्काल रैन बसेरा पहुंचाया गया है। वहीं जिला उपायुक्त के निर्देश दिए कि उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इन लोगों के रहने खाने पीने की व्यवस्था रैन बसेरे में की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज लोहड़ी का त्यौहार है, ऐसे में इन्हें मूंगफली व अन्य खाद्य सामग्री देने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन लोगों के खाने की व्यवस्था करने के लिए 2.5 लाख रुपए देने की भी घोषणा वहां पर की उन्होंने और दिन में ये लोग अपने अपने काम पर जाएंगे और रात्रि के समय में जो है रैन बसेरे में रहेंगे। और हरियाणवी और पंजाबी लोकगीतों और वाद्य यंत्रों ने थीम पार्क के लोहड़ी के त्योहार को ऐतिहासिक और यादगार बनाने का काम किया। इस लोहड़ी पर्व को विधायक सुभाष सुधा ने थानेसर विधानसभा के लोगों के लिए आयोजित किया और इस लोहड़ी कार्यक्रम में हजारों लोगों ने भाग लिया। साथ ही हरियाणवी और पंजाबी धुनों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नायब सिंह सैनी,
विधायक सुभाष सुधा के साथ साथ आम नागरिकों को भी झूमने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। वहीं इस पर्व की परंपरा को निभाते हुए प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने लोहड़ी पर्व की पूजा अर्चना की और मंत्रोच्चारण के साथ ही इस बीच लोहड़ी की अग्नि में उन्होंने आहुति डाली। लोहड़ी पर्व की मैं पूरे कुरुक्षेत्र निवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस पवित्र पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता। हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक सुभाष सुधा जी रंगारंग कार्यक्रम लोहड़ी देवी चाज इन्होंने किया है और मैं इन्होंने बहुत बहुत बधाई देना। ये हमारे लिए बड़ा जो पर्व है सबके लिए, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए ये पर्व हर्षोल्लास का है और आज लोहड़ी का महापर्व और कल मकर संक्रांति है। मैं इन दोनों महापर्वों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि देश के 140 करोड़ लोगों के लिए यह गर्व की बात है। इस पवित्र पर्व मकर संक्रांति के अवसर से लेकर के 22 जनवरी भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक हम हर मंदिर को स्वच्छ करें और उसको एक मिशन मोड के अंदर जाकर के हम वहां पर करें। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये पूरे देश के लिए एक गर्व का विषय है, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर। ये लोहड़ी का महापर्व है, यही हमारी संस्कृति है जिसके अंदर हम मिल करके आपस में सभी बैठ करके इससे प्रेम भाईचारा बढ़ता है और मिल करके हम मनाते हैं। इन महापर्वों की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बात करें तो यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर पहुंचे थीम पार्क में और 2 घंटे से यहाँ पर धनेश्वर के विधायक है वो बड़े यहाँ पर नाचते नजर आ रहे हैं, खुशी के। देखिए हमारे अजराणा कल्ला साहब जी भी यहाँ पर हैं और विधायक जी तो कल के यहाँ पर, कल इतना भव्य कार्यक्रम युवाओं का यहाँ पर था, विधायक जी कल भी कल के यहीं पर हैं और आज ये रंगारंग कार्यक्रम लोहड़ी के इस पर्व के ऊपर जो हर घर के अंदर खुशी का ये त्योहार है, ऐसा त्योहार है कि हमारा एक एक त्योहार, एक एक व्यक्ति, एक एक हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर उसके साथ जुड़ा हुआ है। और ज्यादातर दुर्घटनाएं जो हैं वो लेन बदलने के कारण होती हैं और अब जो वाहन सड़क पर चलते हुए एकदम लेन बदलेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए हरियाणा सरकार ने नेशनल हाईवे पर दिल्ली तक 200 कैमरे इंस्टॉल किए हैं और ये कैमरे लेन चेंज करने वाले वाहनों के ऑनलाइन चालान करेंगे। विज ने इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं। वहीं गृह मंत्री ने गृह क्षेत्र में अधिकारी भी अब इस आदेश की पालना करते हुए उनके नजर आएंगे और हाईवे पर कई जगह पर नाका लगाकर लेन चेंज करने वालों के चालान किए जा रहे हैं और जो वहां नहीं रुक रहे उनके ऑनलाइन चालान किए जा रहे हैं। लाइन चेंज के लिए अभी FIR के आदेश कर दिया यहाँ सरकार ने, उसमें 279 करीब 6 में FIR लोड करने के आदेश हो गए। जो भी लाइन चेंज अपनी लाइन में नहीं चलाएगा, अगर ये गलत चलाएगा, जिस तरफ चलाएगा उसको FIR का आदेश कर दिया। ऑनलाइन चलान करेंगे, रोकने के लिए मना करते हैं। कौन सी लाइन है? 2-3 नंबर है कार जीप के लिए, सेकंड और थर्ड है कमर्शियल वाहन। ये जो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं इनमें ज्यादातर एक्सीडेंट
जो लेन चेंज करते हैं उसकी वजह से होते हैं। तो हमने सख्ती की है कि भी अपनी लेन में चलो और जो लेन चेंज करेगा उसके ऊपर जुर्माना लगाएंगे। और हमने यहां से दिल्ली तक कैमरे भी लगवा दिए, वो अपने आप भी नंबर देख के चलान किया करेंगे। तो हम इस मामले में सख्ती कर रहे हैं। साल में लगभग 6000 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और वो एक्सीडेंट इस नलायकी की वजह से होता है कि अपनी लेन में ना चलाकर एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ लगाना, उसमें नुकसान होता है, उसको हम इजाजत नहीं देंगे। राम मंदिर का विरोध करने वाला हिंदुस्तान से अपने आप ही मिट जाएगा, प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल का ये कहना है। मंत्री जेपी दलाल बहादुरगढ़ के मांडोठी गौशाला के वार्षिक उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। वे यहां कांग्रेस द्वारा राम मंदिर का विरोध किए जाने वाले सवाल का पत्रकारों को जवाब दे रहे थे। कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि राम मंदिर का विरोध कोई नहीं कर सकता। अगर कोई हिंदुस्तान में रहता है और अगर वो राम का विरोध करता है तो वो अपने आप ही मिट जाएगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि हम आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं देश का बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री को मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। जेपी दलाल का कहना है कि बीजेपी हरियाणा में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आज ये प्रमुख गौशालाएं थी जजर्स की, लगभग लगभग 1.5 करोड़ रुपए की हमने मंजूर किए हैं। 76 लाख के चेक आज पीछे 6-7 गौशालाओं के तेज में बांटे हैं और हमारी कोशिश ये है कि जो गौशालाएं हैं वो आत्मनिर्भर हों, अपने पाँव पे खड़े हों, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर हो। उनको जैसे इन्होंने मांगी थी कि हमें गाड़ी चाहिए, एम्बुलेंस, वो भी अलग से दी है हमने। और सारा मकसद यही है कि हमारी संस्कृति के अंदर गोपालन सबसे प्रमुख काम होता था और गौ को माता का स्वरूप हम मानते हैं और ये समाज के लोग मिलकर के इतनी अच्छी गौशालाएं चला रहे हैं, इनको मैं बधाई देता हूं। और इनके लिए जो भी गौशालाओं के लिए और आगे भी कुछ करना होगा वो हम करेंगे। बेसारा गौ के लिए भी हमने नई गौशाला बनाने की योजना बनाई है। 3-4 गौशालाएं बड़ी बड़ी बन रही हैं जो 10-10 हज़ार उनको लेंगी। और आप यहाँ इलाके के अंदर पंचायत का भी हमने कानून पास किया है कि पंचायत जमीन दे दे कोई, अगर कोई समाज सेवी गौशाला बनाना चाहता है। और कनीना उपमंडल के गांव छितरौली में हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। वहीं आपको बता दें कि उनके साथ अटेली से विधायक सीताराम यादव भी मौजूद रहे। गांव में पहुंचने पर ग्रामवासियों ने फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर मंत्री का जोरदार स्वागत किया और ग्रामवासियों ने जेपी दलाल को मांग पत्र भी सौंपा। जेपी दलाल ने खिलाड़ियों को बधाइयां दी और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के हौसले और सपनों को साकार करने के लिए उभरते खिलाड़ियों को उचित प्लेटफॉर्म दिलाने का काम कर रही है। और जयप्रकाश दलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के लिए कई योजनाएं लेकर आए हैं और 200 वन डॉक्टर दवाई के साथ ही कॉल सेंटर करके चालू कर रहे हैं ताकि किसानों का पशुधन बच सके और इसके अलावा 100 रुपये में बीमा भी करते हैं। ये बाबा धोनीकर की याद में, उनके सम्मान में जो ये गाँव में हर साल मेला लगता है, खेलों की प्रतियोगिता होती है और बहुत सारे लोग बच्चे खेलने आते हैं। इसके शुरुआत के लिए मैं आया और इस इलाके के अंदर जो अच्छी फसलें अच्छी हैं, नहरों का पानी है, गाँव अच्छा है, किसानों के लिए हमने नई योजना लेके आए हैं कि 200 वैन किसानों के साथ कॉल सेंटर करके चालू कर रहे हैं जिससे किसानों को जो उसका पशुधन है
उसको नुकसान होने से उसके 100 रुपये में हम बीमा करते हैं और तरह तरह की योजनाएं हम लेके आ रहे हैं। बहुत है गांव गांव के अंदर कांग्रेस के बीच में, कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेसी बहुत है। अभी तो ठीक है टिकट की लड़ाई में कुछ संख्या इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन जब एक आदमी को टिकट मिलेगी तो निश्चित तौर पर उसको हराने में लग जाते हैं। कांग्रेस इतने सालों के बाद 10 साल हो गए अपने जिला अध्यक्ष बनाने में सक्षम नहीं है, लोग उसको क्यों वोट करें। आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार हरियाणा के अंदर नहीं है। हरियाणा के किसानों को उम्मीद थी जब उनकी सरकार पंजाब में आई थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं केजरीवाल जी, वो हमारे भिवानी जिले के रहने वाले हैं और हर आदमी अपने जहाँ जन्मभूमि है थोड़ा बहुत उसके बारे में विचार करता है। तो लोगों को दक्षिण हरियाणा के लोगों को भरोसा था कि तो हमारा इसराइल का पानी हम देंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लकार दिया, पाकिस्तान को पानी देना मंजूर है, हरियाणा को पानी नहीं देते, तो आम आदमी पार्टी को मैं नहीं समझता कोई भी किसान कोई भी गांववासी उसको समर्थन देगा। सब लोग उसको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, बचे हुए लोग जो थोड़े बहुत थे वो भी भाग रहे हैं। और सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल रतिया क्षेत्र के देर शाम लोहड़ी मिलन समारोह के दौरान गांव चंदोकला में पहुंची, जहां उनका ग्रामवासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सांसद सुनीता दुग्गल मीडिया से रूबरू हुई। सुनीता दुग्गल ने पूर्व सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर के बीजेपी में शामिल होने पर पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि वो पहले ही कई पार्टियां बदल चुके हैं और चर्चा में रहते हैं, वे भाजपा में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो भाजपा में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है। वहीं सांसद दुग्गल ने पत्रकारों से जब पूछा कि वे लोकसभा क्षेत्र सिरसा से चुनाव लड़ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की सच्ची सिपाही हैं, उन्हें हाईकमान से जो आदेश देगा उनका वो पालन करेंगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर बीजेपी हाईकमान ने उन्हें फिर से सिरसा लोकसभा क्षेत्र में मैदान में उतरने को कहा तो पिछली बार वो 3 लाख वोटों से जीती थी, इस बार वो 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता ने विकास कार्यों की तरफ देखना है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सिरसा लोकसभा क्षेत्र में अनेकों बड़े बड़े विकास कार्य करवाए हैं और कई हाईवे और पुल भी उन्होंने बनवाए हैं जो सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनते थे। यहाँ पर कम से कम आप देखिए कि दमकिया और टोहाना दोनों विधानसभाओं के विधान कम से कम 40 से 50 के सरपंच साहिबान है, उन्होंने मुझे अलग अलग गाँव में आमंत्रित किया। आज हमने रजाबाद से शुरू किया, मैंने रजाबाद जो है वहाँ पर सरपंच समारोह हुआ, उसके बाद कुंभर गांव के अंदर जो है वहाँ पर भी 15 से 18 के करीब जो है सरपंच कमेटी मेंबर उपस्थित हुए थे और वहाँ पर भी मिलन समारोह हुआ। और उसके बाद फिर अगले यहाँ पर चंदोकला गांव में आना हुआ है और बल्कि उसके बाद खुला गांव में भी जाना है। तो आज जो है कम से कम भी 5-7 जो गाँव है उसके अंदर 40 से 50 के करीब हमारे सरपंच भाई जो है उन्होंने सबने एकत्रित होकर लोहड़ी मिलन समारोह आयोजित किया था। उसने इस समारोह के साथ साथ गाँव की जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में भी जानकारी हासिल की और कुछ का तो मौके पर ही समाधान करने की कोशिश की और कुछ जो है तो मैंने ले लिए है और अधिकारियों को जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनको मैं दे दूंगी ताकि उनका समाधान। और हरियाणा कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल जिले के गांव बालू में किसान मजदूर बचाओ रैली का आयोजन किया, जिसमें रणदीप सुरजेवाला ने भगवान श्री रामलला का गुणगान किया और कहा कि भगवान श्री राम तो हमारे सामने ही हैं, भगवान श्री राम किसान के माथे से टपकते हुए पसीने का नाम है। वहीं किसानों के कर्ज माफी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब वो बिजली मंत्री थे तो उन्होंने किसानों के बिल माफ किए थे, अगर कांग्रेस फिर से दोबारा सत्ता में आई तो फिर से बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। और साथ ही हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के नए नियमों पर बोलते हुए सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने अपने नए फैसले लिए हैं जिसमें HCS बनने के लिए हरियाणवी होने के लिए नियम को खत्म कर दिया गया है।
ढाई करोड़ जनता इस बैलगाड़ी की सवार होगी और इस बैलगाड़ी के बैल हम सब हैं, इस बैलगाड़ी के पहिए हम सब हैं। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा की जो जनता है वो इस बैलगाड़ी की सवार बने। आज किसान और मजदूर पर जो हमला हो रहा है, मोदी सरकार द्वारा भी और खट्टर दुष्यंत सरकार द्वारा भी, उसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई का संघर्ष किसान कांग्रेस ने और हमारे साथी धर्मवीर कोड़े खां जी और पूरी किसान कांग्रेस की टीम ने जो एक किया है, मैं इसके लिए इनको साधुवाद देता हूं। न राम बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं, राम तो पूरी सृष्टि के हैं, राम तो ब्रह्मांड के हैं, राम तो सत्य हैं, राम करुणा हैं, राम दया हैं, राम परोपकार हैं, राम सनातन हैं, राम त्याग हैं, राम बलिदान हैं, राम वायदे की के लिए 14 साल वनवास काटने का नाम है। राम हिंसा का नाम नहीं हो सकता, राम नफरत का नाम कभी हो ही नहीं सकता, राम कभी भी बंटवारे का नाम नहीं हो सकता। जिनको ये समझ नहीं आता उन्हें दोबारा से भगवान श्री राम और सिया राम के बारे में जानना चाहिए। घर घर चावल बांटना कौन है, वो कौन है जो हरियाणा की सरापत। और हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम और उपनिरीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक किया। बताया गया कि प्रतिबंधित नशा रखना, सेवन करना, क्रय विक्रय करना, उत्पादन करना दंडनीय होगा। डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि प्रतिबंधित नशा हमारे देश की युवा पीढ़ी के लिए अभिशाप है जो अधिकतर अन्य देशों से आ रहा है। यद्यपि भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी जा रही है, अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, बड़े नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तथापि जागरूकता एक ऐसा शस्त्र है जो सोई हुई मानवता और देश के प्रति निष्ठा को जगाने का काम करता है। भारत सरकार द्वारा साल 2016 के अधिवेशन में यह स्पष्ट किया गया था कि नशे को समाप्त करने के लिए दोनों प्रकार के काम करने की आवश्यकता है। नशा नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा और अन्य लोगों को भी, अन्य लोगों को भी नशा ना करने के लिए, नशा ना करने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि कोई व्यक्ति नशे का कारोबार करता है अथवा कोई व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है तो इसकी सूचना हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेल्पलाइन नंबर 90508 कर दूंगा। जय हिंद। जय हिंद। शपथ भी नहीं है।